बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त हम पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे के हवाले से यहाँ पे एक सेमिनार के इनेकाद किया गया था। इस सेमिनार में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अहम शख्सियात शरीक थे। इस सेमिनार के मौके पर आज पेशावर में 10 रोज़ा जो दोस्ती लिटरेचर फेस्टिवल का भी अफ्तिताह हो गया, और साथ साथ इस इंटरनेशनल डे के हवाले से यहाँ पर एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात ने यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हैं। हम आए चलते हैं स्टॉल्स में, तलबा और तालिबात से मिलते हैं कि वो क्या क्या चीज़ आज डिस्प्ले करना चाहते हैं। आइए चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपका ताल्लुक किस इदारे से है, और आप ये डिस्प्ले जो कर रहे हैं, ये चीज़ें ये कहाँ से लेके आए हैं और किसने बनाई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम इल्म हुनर की टीम के लोग हैं और हम चारसद्दा से आए हैं। ये वोकेशनल सेंटर्स हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, मैं उसकी टीचर हूँ। तो ये हाथ पे हम काम करते हैं और लोगों को सिखाती भी है। पहले हम सिखाते हैं, फिर इसके बाद ये लोग काम करते हैं और फिर सेल करते हैं। ये जो यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया हुआ, ये हैंडमेड है सारी, और दूसरा आप इनको कमर्शियली आप इनको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं आप? जी जी इंशाल्लाह। जी हाँ, हम इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। जी ये बता दें, ये जो ह्यूमन केयर फाउंडेशन, ये किसने कायम किया है, ये कब से काम कर रहा है, और आप लोगों के मकासद क्या हैं? और आज मुझे नज़र आ रहा है कि आप शायद कोई ब्लड वो कर रहे हैं, आप कैंप लगाए हुए ब्लड डोनेशन के सिलसिले में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा शफाक है और मैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन पेशावर चैप्टर की डायरेक्टर हूँ। और ह्यूमन केयर फाउंडेशन एक सोशल वेलफेयर और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो मेनली फोर चैप्टर्स, फोर कोर प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। यूथ अवेयरनेस में पे काम करता है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, पाकिस्तान इन साइट ऑफ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एंड क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पे। जी ये बना, जी ये बना है 29 जून 2021 को, जो रावलपिंडी चैप्टर था हमारा, फिर हमने इस्टेब्लिश करके आगे लेके गए इसको, पेशावर चैप्टर है। अब हमारा डिफरेंट चैप्टर है केपी और पंजाब में, इसमें टेक्सला चैप्टर है, स्वात है, चित्राल है, कादी आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है और इकरन नेशनल यूनिवर्सिटी में है। इस तरीके से हमारे कैंपस टीम्स भी बन रहे हैं यहाँ पर, पेशावर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और सवाबी अबासीन, तो इसमें हम जो है आगे। आपने कहा कि चार सेक्टर्स में ये जो ह्यूमन केयर फाउंडेशन है ये काम कर रही है ना, तो इस वक्त पेशावर में आपका जो एक ब्लड डोनेशन के अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोग सरगर्मी अमल हैं? जी यहाँ पर तो हम दो सालों से, दो टू एंड हाफ ईयर से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यूथ अवेयरनेस के प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके अवेयरनेस सेशन दिए, ब्लड कैंसर अवेयरनेस सेशन हो गए, इस तरीके से मेंटल हेल्थ अवेयर जो इमरजिंग जो प्रॉब्लम्स है तो उस पर हम करते हैं, कैंसर अवेयरनेस पर करते हैं, एम एच एम पे करते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ उमर रज़ी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंडर हम ब्लड फ्री ब्लड कैंप्स करते हैं ऑर्फन्स के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन पे हमने काफ़ी काम किया है। जो रिसेंटली फ्लड आया था उसमें हमारी टीम ने काफ़ी एक्टिवली काम किया है, राशन ड्राइव्स किए हमारे। उसके अलावा हमने ब्लड जो आज जो यहाँ पर फतमीद फाउंडेशन के साथ जो है कॉलेब्रेशन में ब्लड डोनेशन कैंप है, ये तलेसीमिया बच्चों के लिए हम डिफरेंट फेस्टिवल्स में ब्लड कैंप्स लगवाते हैं। जी ये कोई तंजीम है ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के हवाले से, मुस्लिम हैंड ने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कैम्प के जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनके एक्टिविटीज़ के हवाले से। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इरशाद है, प्रोग्राम ऑफिसर केपी एजुकेशन मुस्लिम हैंड्स। हमारी एक्टिविटीज़ एजुकेशन एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन में हम फ्री एजुकेशन टू प्रोवाइड करते हैं ऑर्फन स्टूडेंट्स को, नीडी स्टूडेंट्स को, और हमारे जो सोसाइटी के नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसमें साथ साथ हम करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। हमारी एक तो आपका ये ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, इसके अलावा जो मुस्लिम हैंड किन सेक्टर्स में काम कर रही है? जी मुस्लिम हैंड तो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, जिस तरह वाश है, लाइवलीहुड है, हेल्थ है, इमरजेंसी रिलीफ एक्टिविटीज़ है, और पैरेलल द मेन फोकस इज ऑन एजुकेशन एक्टिविटीज़। जी मैडम, अपना तारुफ करें और ये बता दें कि ये जो आपने कैंप जगह पे लगाए हैं, जो डिस्प्ले आप ये बुकलेट्स वगैरह आप कर रही हैं, ये किसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरताशा है एंड आई वर्क विद ब्लू वेंस एज एन एमिनी। और ब्लू वेंस एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी अरसे से केपी में काम कर रही है, और हम लोग जो है डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट हमारे डोनर्स हैं। तो ये हमारा मकसद यहाँ पर ये था कि आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे वर्ल्ड वाइड जो
मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, तो उसके हवाले से हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया था। तो हमारे जैसे कि प्रोजेक्ट है मलाला फंडेड का प्रोजेक्ट है, वो गर्ल्स एजुकेशन पे जो केपी में ड्रॉप आउट रेट है जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा, गर्ल्स का ज़्यादा है उस पर हम लोग, और चाइल्ड मैरिज का जो रेट है बहुत हाई रेट है, तो इस पर हम लोग मतलब अवेयरनेस रेजिंग करते हैं और इसके लिए हम काम करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन। थैंक यू।